हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नौगढ़ रेलवे स्टेशन से सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन में परिवर्तित नाम का लोकार्पण किया। ये कार्यक्रम डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल की गरिमाई उपस्थिति में संपन्न हुआ। नाम परिवर्तित होने से क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न किया गया। इस अवसर पर लाइव के माध्यम से जगदम्बिका पाल ने अपने संबोधन में कहा कि यह क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। उनके अथक प्रयास से इस रेलखंड का असामान्य परिवर्तन कार्य वर्ष 2015 में पूरा हुआ और यह क्षेत्र बड़ी लाइन के माध्यमों से देश के महानगरों से जुड़ गया। यहां से 35 किलोमीटर दूर लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और यह क्षेत्र महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से भरा होने के कारण क्षेत्र की जनता की मांग को देखते हुए जिला मुख्यालय स्थित नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम आज से इतिहास के पन्नों में सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन के नाम से अंकित हो गया है। ये जिला 1988 में बना और 1988 में जनपद का नाम सिद्धार्थनगर हो गया। पूरी दुनिया को संदेश गया कि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली, जहाँ गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में 29 वर्षों तक बचपन में इसी कपिलवस्तु में रहे, पिपरहवा में, और आज उनके नाम पे ये सिद्धार्थनगर जनपद का सृजन हुआ। पूरी दुनिया में बौद्ध के मानने वाले देशों में एक संदेश गया कि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली सिद्धार्थनगर जनपद है, लेकिन स्टेशन का नाम आज भी नौगढ़ था। उसमें बहुत, उसके परिवर्तन में बहुत कॉम्प्लिकेशन हो। आप देखिए, हमारी केंद्र में सरकार आई तो मड़ुआडी हो, मुगल सराय हो, स्टेशन में कभी परिवर्तन नाम होते ही नहीं थे। और आज हम धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, धन्यवाद देंगे देश के रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को, जिन्होंने गौतम बुद्ध के बचपन सिद्धार्थ, जिन्होंने इस धरती पे 29 वर्षों तक संन्यास लेने के पहले रहे हैं, तो उनके नाम से जनपद था। आज ये ऐतिहासिक क्षण होगा, ऐतिहासिक दिन इस जनपद के लिए होगा कि आज से अब इस स्टेशन का भी नाम सिद्धार्थनगर होगा। पार्लियामेंट्री बिजनेस के लिए सिद्धार्थनगर से अजय कुमार की रिपोर्ट।